मैं गुड्डू कुमार आपके अपने परिवार दर्पण फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ जो पहले वाली क्लास आपको क्राइटेरियन न्यूमेरिकल वाली वो आपको क्या आई होगी, बहुत पसंद आई होगी। ठीक है तो उसी का आज हम क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो आ जाओ। फिर देखो भैया आप जो हमारा सवाल नंबर है, आज हमारा सवाल नंबर है कौन से वाला, 16, सवाल नंबर 16। ठीक है भाई कौन सा सवाल नंबर 16। तो देखो सवाल नंबर 16 के अंदर क्या है, इसके अंदर सवाल नंबर 16 में क्या कह रहा, कह रहा भाई दो रेणुओं से धूल के कणों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मिली है। भाई मैं मान के चला मेरे पास दो पार्टिकल है, तो ये दो पार्टिकल ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है Q1 है, और इस पे चार्ज कितना है Q2 है। आज थोड़ा लेवल हाई रहेगा, ठीक है जो पहले पार्ट करा था उसके मुकाबले थोड़ा सा लेवल क्या है, थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा, जो कह रहा दो रेणुओं से धूल के कणों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होती है हमारी r, तो r इज इक्वल टू सर दी 1 मिमी, मिमी का मतलब मिलीमीटर। ठीक है तो इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻³ - 3 मीटर। ठीक है मिमी को अगर मीटर में चेंज करना तो 10⁻³ - 3 मीटर। फिर उसने क्या कहा, और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब तो जो फोर्स लग रहा है इनके मध्य है, F is equal to, वो दे रखा उसने कितना 4 × 10⁻⁵ न्यूटन है। ठीक है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन है। अब उसने कहा क्या कि एक, यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, इट मीन्स हम मान के चल रहे कि जो पहले वाला है वो कितना है क्यू है, तो जो दूसरे वाला है ना जो Q2 है वो पहले वाले का कितना गुना है, 4 गुना है। तो कह रहा तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। मतलब भाई यहां से तो हमें इसका निकालना N1 और यहां से N2, मतलब हमें फाइंड क्या करना N1 और N2, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है फिर क्या कह रहा, इसके बाद कह रहा जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना E = वो दे रखा उसने कितना 5/3 और × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है इस बार भाई उसने ना 1.6 ना देखा, ठीक है 1.6 ना देखा, उसने क्या दे दिया इस बार, उसने खुद वैल्यू दी कि 5/3 × 10⁻¹⁹ कूलम है। तो भाई N1 और N2 को हमें क्या करना फाइंड करना, सबसे पहले इसने क्या दिया F दिया, तो क्या करो भाई तुम F को टारगेट करो, तो देखो F कैसे निकलेगा, तो F is equal to, जो F निकल के आएगा F is equal to formula है 1/4πε₀। अब यहाँ उसने A की तो बात नहीं करी, ठीक है तो A को नहीं लेने का, वैसे भी A की बात कर रहा था तो क्या हो जाएगा कि का मान A हो जाएगा × Q1 Q2 फिर √r²। चलो आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ से F का मान कितना हो गया, ये हो गया 4 × 10⁵। ठीक है 4 × 10⁵ इसका मान पाप लगेगा अगर याद नहीं है किसी को, ठीक है 9 × 10⁹। फिर Q1 का मान कितना है, तो क्यू है, और इसके बाद जो Q2 है वो कितना है भाई 4 क्यू, और फिर अपॉन आ जाओ यहाँ पे R² R का मान कितना है योगा, तो 1 × 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है सबसे पहले इस 4 से 4 कैंसिल आउट करो, 10⁻⁵ और यहाँ से 9 और × 10⁹ और यहाँ से बनेगा भाई Q² फिर अपॉन यहाँ से 1 × 10⁻⁶ जो इधर मल्टीप्लाई करेगा जो इधर डिवाइड करेगा, या इसके नीचे क्या लगा दो भाई 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ उसकी मल्टीप्लाई यहाँ या इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो Q² इज इक्वल टू होगा 1 × 10⁻⁵ और 10⁻⁶ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और इस वाले को उठा के यहाँ ले आओ तो 9 × 10⁹। अब इसके बाद मैं क्या करो, या तो जो ये माइनस की इन दोनों को नीचे बुला लो, ठीक है ऐसे लगा भी मैं करो, तो 1 × 10⁵ कितनी हो जाएगी 11 जो भी माइनस की, और यहाँ से 9 × 10⁹ इसे नीचे ले आओ ये हो जाएगा Q² और यहाँ से 1/9 × 10⁹ इसे जरूर लेके आ रहा तो 10⁻११ हो गया, तो Q² तो 1/9 × 10⁻³ कितनी 20 होगी, तो क्यों इज इक्वल टू जो जब इस तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 1/9 × 10⁻³ कितनी यार 20 होगी। ठीक है चलो आ जाओ इसे सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्यों इज इक्वल टू 1 भरे निकल गया और यहाँ से 3 भरे निकल गया
और यहाँ से पावर कितनी होगी, हाफ बाहर निकलेगी तो कितनी होगी, 10 होगी। अब ये मान लें किसका निकल गया कूल मात्रा, कौन लिखेगा भाई इसका, कूलाम। ठीक है, मात्रा क्या हो गया कूलाम। यहाँ से हमने किसका मान निकाला, अब हमने यहाँ से भाई क्यू का मान निकाल लिया और हमें चाहिए क्या था, एन वन और एन टू। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पता जब क्यू का फॉर्मूला होता है तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट के लिए लगाना, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्यू वन और यहाँ लिखेंगे एन वन। ई वन लिख देंगे क्योंकि ई दोनों के लिए कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे भाई जो क्यू वन का मान था, क्यू वन का मान कितना था, क्यू, तो यहाँ रखो क्यू और यहाँ पे एन वन ई। इसका मान क्या हो गया, 1/3 × 10^10, और यहाँ पे एन वन और ई का मान तो उसने खुद दिया जोड़ा, तो जो ई का मान है वो कितना हो गया, वो हो गया 5/3 और इंटू 10^-3। अब क्या हुआ, इस 3 से 3 काट दो, भाई हमें किसका मान चाहिए, एन वन का, तो सब नीचे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो नीचे भर दो भाई से, तो यहाँ से मिलेगा 5 × 10^10 और 10^-19। देखो दोनों को लिख गया यहाँ आराम से, ठीक है, तो जब लेके आऊंगा तो 5 × (y^2) और (y^2)। अब यहाँ पे तुम ये देखो जब से घटाओगे तो 5 × 10^2 कितने बचेगी, -9/19 में से 10 घटा दी, -9, इसे ऊपर ले जाओ, तो जब लेके जाओगे तो 10^9/5, 1/10 इससे उधार ले लो, तो जैसे लोगे 10 × 10^2 कितनी बची, 8/5, इससे कटोगे तो 2, तो एन वन कितना निकल के आया, 2×10^8, जो किसका मान निकल के आया, जो एन वन का मान निकल के आया। अब एन टू चाहिए तो देखो, एन टू में या तो प्रोसेस ये होगा, जो ये वाला प्रोसेस लगा लो, नहीं तो फिर पता क्या करो भाई, हमें पता कि जो क्यू टू है ना वो पहले वाले का कितना गुना है, 4 गुना है, ऐसे जो एन टू आएगा ना वो भी पहले वाले का कितना गुना, 4 गुना, तो 4 से 9 कर दो तो 8×10^8। अरे मात्रा इसका देखो कुछ होने वाली, तो आंसर क्या निकल गया, क्यू, एन वन और एन टू, इम्पोर्टेंट सवाल है वो भी, ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था लास्ट टाइम पे कि मैं आपको सारे सवाल कैसे कराऊंगा, बिल्कुल मक्खन वाले, ठीक है, बस तुम समझो स्टेम मलाई मलाई चल रही हो, ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे अच्छे से पी जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो देखो यहाँ उसने क्या करा, दो चार्ज दिए, एक तो क्यू वन और एक क्यू टू, और क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा था, एन वन और एन टू कितना होगा, रेडियस या दूरी दे दी उसकी बीच की दूरी डिस्टेंस कि 1 डिग्री स्क्वायर है, तो सबसे पहले डिग्री को क्या में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, और एफ का मान उसने दिया कितना, 4×10^5 कहा उसने कि जो एक आदेश है ना वो दूसरे आदेश का कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 गुना कर दिया, तो एन वन और एन टू पूछा था, ई का मान उसने अपने आप दे दिया, तो भाई एफ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 q1 q4 r2। अब मैंने क्या करा भाई, यहां पे ये वाला एफ का मान रख दिया, इसका पूरे का मान रख दिया, q1 कितना है, q, और q2 कितना है, 4q, और दूरी कितनी होगी, और इसका वर्ग होगा, तो सबसे पहले 4 से 4 खत्म कर दिया, तो यहाँ से बना 10^5, इसके नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, और यहाँ से 9×10^9, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 1×10^-6 निकल के आया, ठीक है। अब भाई इसके बाद क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसे नीचे ले आया, कितनी होगी, 11 होगी, ये 11 उठा के नीचे ले आओ तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ये वाला स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बना लेगा, और यहाँ पे किसका निकल के आ जाएगा, 1/ भाई एक को तो कोई रोक नहीं सकता, 1 निकल गया, और यहाँ से 9 में से 3 बार निकल गया, पावर कितने थी, 20, तो 10 बार आ गई। अब हमने इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाया, q = ne, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आवेश कितने थे, 2 आवेश थे, तो यहाँ पे q1 = n1 और e हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैंने q1 का मान कितना रखा भाई, q रखा, और जो n1 है, n1 का मान कितना है, n1 तो भाई निकालना था, कांड होते फिर रेस है, e का मान कितना का जोड़ा, ठीक है, 3 से 3 साफ, इसे नीचे बुला दिया, ये हो गया नीचे भाई। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ना कुछ और, उसके बाद तो मैं कुछ रिलीज में, ठीक है, बस पावर बैलेंस करी, कितनी करी, -9 और पहुंचा दिया, यो नहीं 1/10 को बाहर निकाल दिया, इस पे से उड़ा दिया, यो आ गया। देखो एन टू में मेहनत नहीं करनी, कभी एन टू में मेहनत करो, इसने कहा था कि जो दूसरा आदेश है वो पहले का कितना गुना, 4 गुना कर दिया, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, चलो खींच लो।
अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कैसे ही है, वो भी खतरनाक सही है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब ये सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, आ जाओ। चलो देखो, सवाल नंबर 23 पर कौन सा 17, कौन सा 17, ये क्या कर देगा, खतरा। अगर समझ में आया तो क्या कर देगा, खतरा बना देगा। आ जाओ, चलो क्या कह रहा, कह रहा दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, ए लेवल, ये दो आवेश, एक आवेश योरा और दूसरा योरा, और वो कह रहा जो दूरी है ना हमारी वो 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। फिर कह रहा एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, F इज इक्वल टू 18 न्यूटन, F इज इक्वल टू 18 न्यूटन। कह रहा यदि दोनों आवेशों का योग, इन दोनों का योग, तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर, 9 माइक्रोकूलम। क्यों माइक्रोकूलम का साइन है, ठीक है। तो कह रहा उनके अलग अलग मान ज्ञात करो, मतलब Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, ठीक है भाई। ये दोनों चीजें हम निकालेंगे, ठीक है। एक बार समझ लो, पहले सवाल समझ लो। मैं देखो सवाल सबसे मेन चीज है, अगर सवाल समझ में आया कुछ तो करके आओगे। चलो तो सवाल देखो, उसने कहा दो आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी है, 0.1 है, और जो बल काम कर रहा वो 18 न्यूटन, और आवेशों का योग कितना है, 9 माइक्रो कूलम। तो भाई ये कह रहा Q1 और Q2 फाइंड करो। सबसे पहले इसने क्या दिया, F दिया, तो F का फॉर्मूला तोड़ दो, ठीक है। तो लगाओ F का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 फिर कौन आर स्क्वायर, ठीक है। F का मान कितना है, तो 18, और इसका मान 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना है, लापता, और Q2 भी क्या भाई, लापता, और आर स्क्वायर भाई वर्ग करके कही हो 0.1, ये तो यहाँ आर की पावर 2 है, उसे 2 बन गया, तो 0.2 इससे से कटेंगे भाई, तो ये उधर गुणा करेगा और ये बात करेगा, तो यहाँ से Q1 Q2 निकल के आ गया कितना, 2, और 0.1 फिर 0.2 फिर बटे कौन आ गया, 10 की पावर 9 नीचे आ गया। ऊपर लेके जाओ, चलो भाई ऊपर Q1 Q2 क्या कह रहा, कुछ ना कह रहा भाई, वो इसे हटाओ इसे हटाओ और दो नीचे 0 बना दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई 2 बटे, और भाई 9 और 2 11, तो 10 की पावर 11। ऊपर ले जाओ तो Q1 Q2 और 2 × 10 की पावर -11, और भाई यहाँ से क्या आएगा भी, कोना उतर गया आएगा, ठीक है। अरे एक चीज ध्यान से देखो, क्या भाई एक समीकरण योगी तो बननी यहाँ से, अगर इसे उठाओगे यहाँ पे तो Q1 प्लस Q2 ये 9 माइक्रो कूलम है, अगर माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ ही देख लो थोड़ा सा, क्या 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलम, अब ये 9 था तो क्या कर देंगे इसमें, 9 से गुणा, तो हो जाएगा 9 × 10 की पावर -6 कूलम। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस है, क्या चॉइस है भाई, या तो तुम यहाँ से Q1 का मान निकाल लो या फिर Q2 का मान निकाल लो और उठा के इस वाले दूसरे में पुट कर लो, ठीक है। जैसे दूसरे में पुट कर दोगे तो तुम्हारी समीकरण बन जाएगी, इसमें द्विघात समीकरण, किसके फैक्टर पर वो आंसर आ जाएगा, लेकिन जो तरीका क्या होगा बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। एक हल्का सा तरीका होता है, तुम्हें आ जाओ यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई तुमने बचपन में, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर और फॉर a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो भाई, देखो a भी तो यहाँ है नहीं, आवेश है, आवेश की फॉर्म में चेंज करो इसे, तो q1 - q2 का होल स्क्वायर और यहाँ से q1 + q2 का होल स्क्वायर और फिर फॉर q1 q2, आ जा भाई इसका मान ये होगा, पर देखो भाई पर होगा जो मैं पहले रख के दिखाऊंगा, 9 × 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर, अब भाई फिर फॉर q1 × q2 तो 2 × 10 की पावर -11, इसका वर्ग करो 81 और 10 की पावर -12, इसकी गुणा कर दो तो 8 और 10 की पावर 11। अब यहाँ पे देखो भाई, और यहाँ पे भाई q1 - q2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना भाई, भाई पहली बात तो यहाँ पावर सेम नहीं है, डिजिट भी सेम नहीं है, ठीक है, तो पता है क्या करो भाई, डिजिट तो हम सेम बना नहीं सकते, पावर सेम बना सकते हैं, तो कैसे करो 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग कर दो, ये वाला 10 तो यहाँ लेके जा रहा, ये 10 ऊपर लेके जा रहा,
तो यहां से बनेगा कि अस्सी गुणा 10 की पावर माइनस 12 और इसकी गुणा समय करो 80 और जब लोग नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का तो कितना हो गया 12 हो गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या भाई 81 में से 80 घटा दो क्यों घटा क्योंकि पावर तो सेम है नहीं समझ में आ रहा तो 10 की पावर माइनस 12 को मान ले लो तो 81 माइनस 80 घटाओ भाई कितना बचेगा 1 और 10 की पावर माइनस 12 यू निकल के आया क्यू वन माइनस क्यू टू का होल स्क्वायर। अब इस पे ले जाओ भाई अंडर रूट पे ठीक है तो यहाँ पे बोलेगा क्यू वन माइनस क्यू टू बाई भागना चाहिए यहाँ से सही है थोड़े सवाल बड़े बड़े हैं क्या करें कर मिल रहे हैं मैं थोड़ी कर रहा हूँ मैंने पेपर में ठीक है करके तो तुम्हें आना है पहले तो मैं सिखा ही तो सकूँ ठीक है सिखा सकता हूँ मैं मानी जा रहेगा तुम्हारे साथ ये मैं तुम्हारे साथ नहीं बड़ा परम को पीने का डर हुआ मैं ठीक है चलो करेंगे सवाल ठीक है तो ऐसा तो देखो होने वाला नहीं है भैया मेहनत करनी है तुम्हें मैं केवल तुम्हें सिखा सकता हूँ बता सकता हूँ लेकिन जाना तुम्हें खुद ही पड़ेगा ठीक है तो आ जाओ मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई जब इसमें जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा ए गुणा 10 की पावर माइनस 12 यहाँ से वर्ग बाहर निकला और यहाँ से भाई पावर अद्धियों की निकल जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू तो हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम ठीक है और ऐसे ही भाई हमारी हमारे सभी नोट्स में दी थी तो ये होती क्यू वन प्लस क्यू टू किसके बराबर 9 माइक्रो कूलम। अब क्या करो वहीं से जोड़ दो जो माइनस जो प्लस खत्म तो यहाँ से हो जाएगा 2 क्यू वन 9 और 1 10 ठीक है तो क्यू वन कितना निकल के आएगा 5 माइक्रो कूलम। हमें पता लग गया भाई जब पहला 5 है अब दोनों के ऊपर कितना है 9 है तो दूसरा कितना होगा 4 तो ऐसे कर लो क्यू वन प्लस क्यू टू किसके बराबर 5 5 के लिए 9 है ठीक है क्यू वन का मान कितना 5 और फिर क्यू टू कितना हो गया पता नहीं किसको क्या के ले जाओ तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 5 तो क्यू टू कितना आ गया 4 माइक्रो कूलम। तो भाई पहला कितना आया 9 सॉरी पहला आया 5 माइक्रो कूलम और दूसरा कितना आया 4 माइक्रो कूलम ठीक है। और एक बात और बताओ साथियों ठीक है यूट्यूब पे ना आप लोगों को सभी क्या कराते दिखते हैं थ्योरी थ्योरी तुम्हें सब कराने के ठीक है लेकिन तुम्हें न्यूमेरिकल कोई नहीं कराने का ठीक है न्यूमेरिकल कौन करा देगा तो तारा भाई करा देगा तुम्हें सारे के सारे ठीक है। चलो तो टेंशन ना लो दो सवाल ही तुम्हारे तैयार करा दिए मैंने ठीक है पर भाई दोनों सवाल नहीं ऐसे दोनों सवाल बोर्ड में पूछे गए हैं कभी तुम सोचो नहीं मैं ऐसे लग रहा नहीं ऐसे भी लग रहा हूँ ठीक है तो इन दोनों सवाल पे तुम्हें क्या करना बहुत अच्छे से कमांड करना ठीक है। एक छोटा सा सवाल है फिर हम क्या करेंगे अपनी वीडियो को ऑफ करेंगे ठीक है। चलो आ जाओ एक सवाल और देखो इस सवाल को बताऊं दोबारा से चलो एक और देखो हल्का सा कैसे कैसे बता देंगे इसे भाई इसमें दो आगे दे दी क्यू वन और क्यू टू बीच की दूरी दे दी और भाई बल कितना था 18 न्यूटन ठीक है। फिर उसने आवेशों का योगफल कितना दिया 9 माइक्रो कूलम तो कह रहा था अलग अलग याद करो तो भाई बल का फॉर्मूला ये है मैंने इसके अंदर सब मान को करे और कुछ करने के बाद में मेरे पास समीकरण जो निकल गया ये उसमें खुद दे रखी थी बस इसे कूलम में चेंज कर दिया ठीक है। अब भाई यहाँ पे तरीके बताते हैं या तो तुम किससे करो दीघा समीकरण से लेकिन उसके पीछे मत भागो एक फॉर्मूला ये होगा ठीक है बचपन में पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस ए बी इसे किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया है मैंने आप इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया इन सब के मान रखा फिर एक ट्रिक यहाँ लगाई ठीक है जिसमें 10 से गुणा 10 से भाग क्यों करी जिससे पावर कैसी हो जाए सेम हो जाए ठीक है ये कैसी होगी माइनस के बारह जो 10 यहाँ गया अब यहाँ से भाई जो को बना लिया तो 81 माइनस कितना हो गया 80 हो गया ठीक है। इसमें से घटाया एक गुणा 10 की पावर माइनस 12 और भाई वो वर्ग जब इस पे जाएगा अंडर रूट बना देगा तो यहाँ से यो निकाल दिया इसे हम कैसे लिख सकते हैं एक माइक्रो कूलम। इसके बाद भाई यो वाले समीकरण इसमें दी यो माइनस यू प्लस जो भाई खत्म तो इन दोनों का जो योगफल है 2 क्यू वन किसके बराबर 2 और 1 10 इससे कटते हैं कितना आया 5 घर की कौन रखा समीकरण नंबर पहले वाली पर रखा इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया 4 माइक्रो कूलम। चलो तो अब एक छोटा सा सवाल देखो ठीक है वो सवाल भी मेरे पेपर में आया हुआ है ठीक है चलो अब करते हैं तो तुम्हारे वहाँ पे लिए हुए ना मूल्य भाई ठीक है अब मेहनत कर लो ठीक है आ जाओ चलो एक सवाल और देखो कौन सा भी सवाल नंबर 18 में क्या कह रहा कह रहा यदि शुद्ध जल का पहला विद्युतांक शुद्ध जल का पहला विद्युतांक कैसा है भाई 81 का तो कह रहा इसकी निरपेक्ष वस्तु स्थिरता ज्ञात करो निरपेक्ष क्या होगा एप्सिलॉन ठीक है एक फॉर्मूला होगा के का k is equal to epsilon upon epsilon 0 ठीक है k is equal to epsilon upon epsilon 0 तो epsilon 0 चाहिए तो k into epsilon 0 k का मान कितना हो गया 81
और इसका मान 8.85 इनटू 10 की पावर -12। अब ये देखो इसकी गुणा कर लियो, ठीक है, गुणा कर दोगे ना तो इसका आंसर आ गया 7.17 इनटू 10 की पावर -10। और मात्रा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना? अरे भाई क्या रिजल्ट की गैलेक्सी क्या निकल के आ गया आंसर, हम रेडियो को से लिखता था, ठीक है। आलो इसका मात्रा भाई क्या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक सवाल और देख लो, वो भी छोटा सा आएगा, ठीक है। अब तुम मेरे सवाल सवाल में कई सारे सवाल रिपीट कर लेना, ठीक है। अरे कर लो, ठीक है। सवाल नंबर 23 लास्ट सवाल, ठीक है। क्या रहा भाई 5 × 10 की पावर -8 कूलाम, कूलाम कह दिया तो कौन आ गया, क्यों आ गया और क्यों का मान कितना आ गया, 5 × 10 की पावर -8 कूलाम आ गया। कह रहा बिंदु आवेशों से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो कह रहा r दूरी पर भाई, ठीक है। और कह रहा तत्व क्षेत्र की जो तीव्रता होगा ना वो कितनी होगी, 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब तुम बोलोगे हम तो न्यूटन प्रति कूलम पढ़ रखी है, वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से आ गया, अभी लेसन नंबर 3 का आएंगे ना तो वहां पे इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसका सूत्र मतलब इसका मतलब यो भी होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो गया E is equal to 1/4 πε0 और Q/r2। इसका मान 450, इसका मान 9 × 10 की पावर 9, क्यों 5 × 10 की पावर -8 और r ना पता, ठीक है। अब देखो 9 × 45 हो रहा ना, और यो खत्म 45 है, तो यहाँ से कितना बचा 10। अभी बात है मैंने तारे भाई की कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है, ठीक है। 9 × 45 साफ कितना बचा 10, और जरा इसमें से घटाइयो कितना बचेगा 10, और यहाँ से आर स्क्वायर इससे यो साफ, ठीक है। तो यहाँ से बना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 और कितना आएगा 1, तो आर का मान कितना आ गया 1 मीटर, ठीक है। सवाल समझ में नहीं आए तो देखो आज का कौन सा पार्ट था, मैं कर दिया भाई सेकंड पार्ट का, ठीक है। एक दो पार्ट और है जो चैप्टर के हो जाएगा, जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप सबकी ना बस एक शिकायत है, ठीक है, मतलब मैं एक शिकायत आप सभी से तुम्हारे से, पता है क्या कि तुम मेरा सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, ठीक है। इस चैनल को ना फटाफट जल्दी से जल्दी 1000 से ऊपर लेके जाना तुम्हें, ठीक है। या जब मैं इतनी मेहनत कर रहा क्या तुम 10 मिनट 5 मिनट की मेहनत नहीं कर सकते मेरे लिए, लोग भाई तुम भी तो करोगे और कौन करेगा भाई, तुम्हारे साथ मेहनत मैं करूंगा और मेरे साथ मेहनत कौन करेगा, तुम करोगे, ठीक है। तभी तो अपने यह पार लगाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो चलो फिर अपना ध्यान रखना, और अगर इस क्लास अच्छी लगी हो तो सर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर।